नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, हमेशा अच्छे रहे। दोस्तों, जय माँ अम्बे ब्लिस कुकिंग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ, तो चलिए आप लोगों को दिखाते कौन सी रेसिपी हम बनाएंगे। यहाँ पे रेसिपी बनाने के लिए हमने पोहा लिया है दोस्तों, तो कुछ चटपटा खाने का मन करे तो आप लोग इस तरह बना सकते हैं। तो हम बना के दिखाते हैं किस तरह हम ये पोहे को नाश्ता बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने ये देखिए पतला वाला हमारा ये पोहा है, इसी का हम नाश्ता बनाएंगे। फटाफट बनने वाला नाश्ता है दोस्तों, खाने में भी टेस्टी है। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने पोहा को ये देखिए पानी से धो लिया है दोस्तों, तो इस तरह हम इसको अलग अलग कर देंगे ताकि इसमें एक दूसरे में चिपकने ना पाए। तो दोस्तों, हम पोहे का रेसिपी बहुत सारी दिखाया है, कई रेसिपी हमने दिखा चुकी हूँ, तो हर एक रेसिपी का टेस्ट अलग अलग होता है दोस्तों। तो आज हम दूसरे तरीके से बना दिखा रहे हैं। यहाँ पे हमने ये नाश्ता बनाने के लिए कढ़ाई हमने गैस पे चढ़ा दिया है, इसमें हमने रिफाइंड तेल डाल दिया। तो दोस्तों, ये कढ़ाई हमारी पकवान की बनाई है, तो इसी में हम बनाएंगे नाश्ता अपना। तो अब इसमें हम डाल देंगे कुछ मूँगफली के दाने, उनको हम तेल में पका लेंगे। इधर हमारे मूंगफली के दाने पक गए, तो अब इनको हम निकाल देंगे। मूंगफली के दाने हमने निकाल लिया, तो अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक, हरी मिर्ची डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा दाना। यहाँ पे हमने बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, इसको हम डाल देंगे। यहाँ पे हमने जो प्याज कट किया है, उसको हमने लंबे साइज में कट किया दोस्तों। आप चाहे तो इससे ज़्यादा बारीक कट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने इतना ही बारीक कर दिया है। यहाँ पे हमने ये देखिए हरा मटर लिया है एक कटोरी, इसको हम डाल देंगे। यहाँ पे हमने थोड़ी सी तीखी मिर्ची लिया, थोड़ी सी हमने धनिया पाउडर लिया है, स्वाद के अनुसार हमने नमक लिया है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें अभी डाल देंगे, नमक अभी नहीं डालेंगे, मसाला भी हम डालेंगे। अब एक साथ हम नमक भी डाल देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी। यहाँ पे हमने जो पोहा लिया है इसको डाल देंगे इसी में। यहाँ पे हमने एक चम्मच चाट मसाला लिया है, तो आप चाहे तो इसमें आमचूर पाउडर डाल सकते हैं, आप चाहे तो नींबू का रस डाल सकते हैं। यहाँ पे हम चाट मसाला डालेंगे। यहाँ पे हमने जो मूंगफली के दाने फ्राई करके रखा उसको डाल देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे हरी धनिया की पत्ती। यहाँ पे हमारा नाश्ता बनके रेडी हो गया, तो अब हम गैस को बंद कर दिया है। अब इसको हम निकाल के दिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने पोहे का नाश्ता बना के रेडी कर दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं कितना टेस्टी नाश्ता बना है। तो ये फटाफट बनने वाला नाश्ता है, बहुत कम सामग्री में बनने वाला है दोस्तों। इसको आप बहुत आसानी से बना के खा सकते हैं, आप इसको ऐसे खा सकते हैं, सुबह के नाश्ते में आप खा सकते हैं, सुबह चाय बना के खा सक नाश्ता कर सकते हैं दोस्तों। खाने में बहुत टेस्टी है दोस्तों, तुरंत बन जाता है दोस्तों, बनाना बहुत सरल तरीका है। तो आप लोग इसी तरह बना के एक बार जरूर ट्राई करिए, खाने में बहुत टेस्टी है दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।